दोस्तों टॉयलेट्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे हर कोई यूज करता है, इसके बिना मतलब कैसे रह गया है ना। लेकिन इसके बारे में बात करना कोई पसंद नहीं करता। टॉयलेट्स सीट वॉश बेसिन की तरह ही सेम मटेरियल से बना होता है, जिसकी वजह से दोनों सिमिलर लगते हैं। लेकिन क्या वो दोनों सच में एक जैसे ही बनाए जाते हैं? चलिए ना आपको इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि टॉयलेट्स को फैक्ट्री में तैयार कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम मानते हैं पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, सूरज जरूरी है, खाना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा और क्या जरूरी है? शौचालय। जी हाँ, शौचालय सबसे जरूरी है, जो सुबह काम आने वाली चीजों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। हमारी इस बात से आप भी सहमत होंगे, क्योंकि अगर इंसान के घर में टॉयलेट नहीं है तो भाई सभी शानदार मोटिवेशन से भरे थॉट्स कहां से आएंगे यार। और क्या, हम कहां बैठेंगे जब हम खाली दिमाग और अपने फोन स्क्रीन्स को स्क्रॉल करेंगे। इसके अलावा हम उस ब्लॉकबस्टर गाने का परफॉर्मेंस हर दिन कहां देंगे यार। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर शौचालय क्यों जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हो गई मजाक के हिसाब से बात, लेकिन अगर आप इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली लेना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शौचालय हमारी दुनिया को स्वच्छ रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं टॉयलेट्स के बनाने के बारे में। दोस्तों इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाता है। एक वेस्टर्न टॉयलेट बनाने के लिए यूज होता है चाइना क्ले, बॉल क्ले और पोटैश फेयर्स पर। सारे रॉ मटेरियल्स को ग्राइंडर में रखा जाता है। इसके बाद इसमें खूब सारा पानी मिलाकर इसे स्लरी बनाया जाता है। बॉल मिल में स्लरी के साथ सिलिका हैंड मिलाते हैं। इसको मिलाने से पोर्ट की श्रिंकिंग कम होती है और भट्टी में पकाने के बाद वाइटनेस इंक्रीज होती है। अब इनकी कास्टिंग यानी कि शपिंग की जाती है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये मटेरियल इसमें भर जाता है। इसके बाद इन्हें लगभग 14 घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मटेरियल सूखने के बाद इसके बाद एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया जाता है, साथ ही सभी मॉलेट्स के ढक्कन हटा दिए जाते हैं और लीजिए तैयार हो गई इसकी शेप। फिर मोल्ड्स पर 2 छेद किए जाते हैं, उस होल में टॉयलेट कवर को फिट किया जाता है। शेप देने के बाद हर टॉयलेट सीट की बारीकी से मैनुअल चेकिंग की जाती है। वर्कर्स बल्ब की मदद से इसे बारीकी से चेक करते हैं और फिनिशिंग डिटेल्स देते हैं। चेकिंग के बाद सभी को 500 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करने के लिए भेज दिया जाता है। इन टॉयलेट्स के ड्राई होने से पहले साइज में अभी के मुकाबले 13.5 इंच बड़ा था। हीटिंग प्रोसेस के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं यानी कि छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए जब रॉ मटेरियल से स्लरी बनाई जाती है तो उस समय रॉ मटेरियल की कंपोजिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर हर एक बैच का पोर्ट अलग हो जाएगा। अब बारी आती है पोर्ट के ग्लाजिंग की। जी हाँ, ग्लाजिंग करने से पहले इसकी फिर से अच्छे से चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद हर एक पीस जाता है रोबोटिक हैंड के सामने पेंट होने के लिए। पेंट के बाद इसे फिर से हीट किया जाता है और अब ये पोर्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इनकी टेस्टिंग की जाती है, इन्हें ठोक कर दबा कर अच्छे से टेस्ट किया जाता है। ये टॉयलेट 400 किलो तक का वेट झेल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके बाद सक्शन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें छोटी छोटी बॉल्स भरकर पानी डाला जाता है। टेस्ट पास होने के बाद अब होती है इसकी पैकेजिंग। और दोस्तों अब ये टॉयलेट बिल्कुल तैयार है आपके बाथरूम में लगने के लिए, आपको सेवा देने के लिए। और दोस्तों ये टॉयलेट बनाने का सीक्रेट पॉटरी बनाने से ईजाद हुआ है। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि ऐसे टॉयलेट के बारे में जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों विदेशी देश में एक ऐसा टॉयलेट है जिसे आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बार देखने में तो ये टॉयलेट बिल्कुल आम टॉयलेट जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसके फीचर पर जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे डेवलप्ड टॉयलेट माना जाता है ये। अब मजे की बात तो ये है कि जब आप इसके करीब जाते हैं तो ढक्कन अपने आप खुल जाता है और जब आप बैठेंगे तो गुनगुनी सीट आपका स्वागत कर रही होती है और आपके जाते ही बिना कुछ किए अपने आप ही अच्छे से फ्लश कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है और ये तब तक काम नहीं करता है जब तक आप इसमें बैठ ना चाहें। इसमें हर चीज आप सिर्फ बटन से कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल ये टॉयलेट्स यहाँ अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो जब तक आपको इन्हीं टॉयलेट से काम चलाना पड़ेगा। तेजी से बढ़ते वक्त में अन्य चीजों के साथ साथ टॉयलेट सीट्स के लिए भी लोगों की दीवानगी बढ़ी हुई है। दुकानों पर महंगी से महंगी सीट खरीदने की होड़ सी मचने लगी है। तो आइए जानते हैं दुनिया की कुछ टॉप क्लास टॉयलेट सीट्स के बारे में। हांगकांग में बने इस टॉयलेट का दाम कुछ हजार नहीं बल्कि $5 मिलियन है। भारत में इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। 2008 में आए इस टॉयलेट के दाम सुनकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। इस टॉयलेट का निर्माण उस वक्त हुआ था जब सोने का दाम गिरा हुआ था। इसको हैंग फंग नामक एक कंपनी ने बनाया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टॉयलेट। रूस की एक कंपनी द्वारा बनाया गया ये स्पेस टॉयलेट दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट है। ये कोई आम टॉयलेट नहीं है, ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया गया टॉयलेट है। इस टॉयलेट की कीमत $19 मिलियन है, ये कोई मजाक नहीं है। इस टॉयलेट का दाम सच में इतना ज्यादा है? जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, ये सोने का बना हुआ है क्या? ऐसा नहीं है। फिर ये इतना ज्यादा दाम क्यों रखता है? चलिए बताते हैं आपको। इस टॉयलेट की खासियत ये है कि ये यूरिन को पानी में बदल देता है ताकि आप उसे पी सके। फाउंटेन बाय मर्सल डस्ट। दोस्तों 18 कैरेट सोने से बना ये टॉयलेट एक दिन के लिए अमेरिका की आम जनता के लिए खोला गया था ताकि एक दिन के लिए आम जनता भी इसका अनुभव ले सके। खबरों की माने तो लोग कतारों में खड़े होकर इस पर एक बार बैठने का इंतजार करते देखे गए थे। एक टॉयलेट सीट की कीमत आपको बता दें कि 14,74,592 से $25,27,872 के करीब है। इस टॉयलेट सीट को संग्रहालय की चौथी मंजिल के बाथरूम में लगा दिया गया था ताकि आम लोग वहां जा सके। टॉयलेट का इतिहास। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसमें शौचालय के यूज करने के फायदे के बारे में बताया गया था। ये एक अच्छी बात है कि हमारे देश में एक गंभीर समस्या के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई गई है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिस देश में 5000 साल पहले हर घर में शौचालय हुआ करता था, उस देश में भी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, चौंकिए मत, 100% सच है कि आज से 5000 साल पहले इंडिया में हर घर में शौचालय हुआ करता था, और वो भी ऐसा शौचालय जिसे आज हम वेस्टर्न शौचालय कहते हैं। इसका नाम वेस्टर्न इसलिए रखा गया क्योंकि हमें लगता है कि इस टॉयलेट को वेस्टर्न कंट्रीज में बनाया है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ही किया गया था, लेकिन ये गलत है। सच तो ये है कि जिसे हम वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं वो वेस्टर्न लोगों से पहले हम इंडियंस 5000 साल पहले ही हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल हो चुका है और इस बात के सबूत भी मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा में किए गए एक खुदाई में मिली चीजों से ये दिखता है कि उन लोगों के घर सभी सुविधाओं से भरे हुए थे। वो सभी तरह तरह के छोटे बड़े कच्चे और पक्के मकान देखने को वहां पे मिलते हैं। यहाँ के अधिकतर मकान पक्की ईंटों से बनाए गए थे। इन मकानों के घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों का इस्तेमाल होता था जो ढकी हुई होती थी और बाहर के नालियों से जुड़ी हुई होती थी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ के घरों में ऐसे शौचालय भी पाए गए जो ये प्रूफ देता था कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के समय से ही लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन शौचालय में वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी के जरिए बहा देने की सुविधा भी मौजूद थी। इन टॉयलेट्स को ढकी हुई नालियों से जोड़ा जाता था और इस टाइम में दुनिया या फिर कहीं भी ऐसे शौचालय होने का कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। प्राचीन समय से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप में शौचालय की व्यवस्था की कमी रही है। वहां हर तरफ अंधविश्वास पर यकीन करने वाले लोग थे। सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि लोग कहीं भी टॉयलेट या पॉटी कर देते थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। स्वच्छता की भारत में एक पुरानी परंपरा रही है। पुरानी सभ्यताओं ने ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया जो ना सिर्फ उनके लिए कंपैटिबल थी बल्कि सिचुएशन और एनवायरनमेंट के लिए भी लाभकारी थी। लेकिन कुछ समय बाद लोग इस प्रिंसिपल्स को भूल गए जिसके बाद से इन शौचालयों का इस्तेमाल बंद हो गया और पर्सनल हाइजीन को इतना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था वो कम होने लगा। और आज नौबत तो यहाँ तक है कि शौचालय जैसे टॉपिक पर लोग खुलकर बात तक नहीं कर सकते। हमें ये जानकर बेहद गर्व होना चाहिए कि भारत ने कई साल पहले ही ऐसे इन्वेंशंस कर दिए थे जिसके बारे में उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा इन्वेंशन जिसका क्रेडिट वेस्टर्न कंट्रीज ले रही हैं, लेकिन असल में ये इन्वेंशन भारत की ही देन है। टॉयलेट यूज करते समय आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जरूर देखा होगा कि अक्सर कई
फ्लश में दो बटन देखने को मिलते हैं। लेकिन क्यों, इसकी वजह शायद किसी को भी मालूम नहीं होगी, तो चलिए आपको हम इसकी सही सही जानकारी दे देते हैं। भारत में आज से काफी साल पहले ही वेस्टर्न टॉयलेट के सीटों का आगमन हो चुका है। भारत के कई हिस्सों में लोग वेस्टर्न सीट को इंग्लिश सीट के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही हमारे देश में आज के समय में भी बड़े स्तर पर भारतीय बाथरूम के टॉयलेट सीटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन स्टाइल के टॉयलेट और वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट में काफी फर्क है, जिसमें टॉयलेट यूज करने जा रहे व्यक्ति का कंफर्ट और पानी की बर्बादी में कटौती है। अगर आपको टॉयलेट फ्लश के इन दो छोटे बड़े बटन के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको वेस्टर्न टॉयलेट के फ्लश में लगे दो बटन का राज बताने जा रहे हैं। दरअसल दुनिया आज से काफी साल पहले से ही पानी की समस्या से जूझ रही है। पानी को बचाने के लिए हुई तमाम स्टडी में पाया गया कि टॉयलेट जाते वक्त काफी पानी खर्च होता है। अब बेशक कोई यूरिनल के लिए जाए या फिर पॉटी के लिए, पानी तो उतना ही खर्च होता था। इसी समस्या का तोड़ निकालते हुए अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट डिजाइनर विक्टर पापानेक ने टॉयलेट में ड्यूअल फ्लश का आइडिया निकाला। शुरुआत में इसे छोटे स्तर पर टेस्ट किया गया था, लेकिन इसकी सफलता के बाद इसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिल गई। आपको बता दें कि वेस्टर्न टॉयलेट के फ्लश में बड़ा बटन सॉलिड वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए होता था, जिसे दबाने से 6 लीटर से 9 लीटर तक पानी बहता था, जबकि छोटे बटन को दबाने से बहने वाले पानी की मात्रा 3 से 4 लीटर होती है। इसीलिए अगर आप आगे से टॉयलेट जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि यूरिनल के बाद में छोटा बटन दबाना है, तो वहीं पॉटी के बाद में बड़ा वाला बटन दबाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।